madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. Hello and what's your royal family? Once again, welcome back to my YouTube channel Royal Wheels. हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, जहाँ पर आपको मिल जाता है 115 रुपये टू अ लीटर, जो वेरी भी कर सकते हो स्टेट टू स्टेट या सिटी टू सिटी। तो लोग काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ द प्योर ईवी न्यू ए-ट्रांस का रेंज टेस्ट वीडियो, जहाँ पर प्योर ईवी क्लेम करता है कि यह गाड़ी एक सिंगल चार्ज में आपको दे सकता है 120 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। तो क्या प्योर ईवी ने यह बात सच्चाई कहा है? आज इस वीडियो में आपको सच्चाई पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक पूरा देखिएगा। भाई तभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल रॉयल व्हील्स को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गुड राइड इंप्रेशंस जो मैं न्यू ई-ट्रांस के बारे में देना चाहूँगा आप लोगों को, कि इसमें आपको जो राइड एक्सपीरियंस मिल जाता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलता है, अनलाइक एनी कंबशन स्कूटर। मे बी एक कंबशन स्कूटर ड्राइव करता, आई हैव गॉट दी होंडा एक्टिवा 3G विच वॉज अ थर्ड जनरेशन मॉडल BS3 इंजन। तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ जो मिस कर रहा था, दैट वॉज ओनली द वाइब्रेशन, जो लाइक एक फील देता है कि आप एक गाड़ी एक कंबशन इंजन ड्राइव करते, वो फील शायद आप थोड़ा सा मिस करें इस गाड़ी को ड्राइव करते टाइम। बट आप इसमें जो आपको जो एक्सेलरेशन मिलता है, दैट वाज रियली एक्सेप्शनल। फुल चार्ज में भी ये गाड़ी आराम से 60-62 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड अचीव कर पा रहा था। एंड ओवरऑल अगर आपको और डिटेल में इसका टॉप स्पीड का एक रिव्यू चाहिए, तो वीडियो के एंड में आपको उसका पूरा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने अराउंड 10 किलोमीटर का ड्राइव कम्प्लीट कर चुका है। एक चीज़ गाड़ी में मेरे को थोड़ा सा जो कमी लगा वो ये था कि जैसे ही मैं ब्रेक को दबा रहा हूँ, तो वहाँ पे इसका जो पावर कट ऑफ का सिंबल भी आ रहा था एंड इसका पावर भी कट ऑफ हो जा रहा था। ये नॉट ओनली इसका एक प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा मैं, ये हर एक स्कूटी इन्होंने इस तरीके से इसका एल्गोरिथम ही सेट किया है। बट यहाँ पर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इम्प्रूव शायद अगर प्योर कर पाए तो और अच्छा होगा, कि एक स्लाइट पावर ताकि एक फुल कंटिन्यूस मिल पाए इन मोटर को। अचानक से पूरा गाड़ी बंद हो जा रहा था, उसमें थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि गाड़ी एकदम जैसे लग रहा था कि बीच रास्ते पे स्टॉप हो चुका है। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, गाड़ी अभी अप में जा रहा है एंड प्योर क्लेम करता है कि इसका जो हाई स्पीड स्कूटर से दोनों ही प्लूटो 7G एंड डी न्यू ए-ट्रांस उसका जो ग्रेडेबिलिटी है वो है 7 डिग्रीज़ का। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पर प्योर ईवी एकदम सही बोला है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है पुल कटेट है। मैं एक पीले राइडर के साथ इस स्कूटर को चला रहा था एंड ऑल्सो आई वॉज इन पावर मोड 1, स्टिल गाड़ी में मेरे को कोई भी पावर का कमी महसूस नहीं हुआ, अनलाइक ओवरटेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे को थोड़ा पावर कमी महसूस हो रहा था एंड मैंने सडनली पावर मोड 3 में शिफ्ट कर गया था। इंस्टेंट पिकअप के लिए अगर आप बोले ओवरऑल अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को देखें, तो अनलाइक आप कह सकती थी एथर 450X, वहाँ पर आपको इंस्टेंट पिकअप मिल जाता है थर्ड मोड में, लाइक द स्पोर्ट मोड आप कह सकते हैं, इसका थर्ड मोड स्पोर्ट मोड है। बट उतना इंस्टेंट पिकअप भी शायद मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा इंस्टेंट पिकअप आपको डेली यूज़ में नहीं लगेगा। इसका स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लीनियर मिलता है, एटलीस्ट अराउंड 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक। बट जैसे ही आप अराउंड 30-32 टच करने लगते, तब इसका फुल टॉर्क आपको महसूस होता है, लाइक दिस व्हीकल पुल्स एट दैट स्पीड। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते, इस गाड़ी को मैं डाउन में लेके आ रहा था एंड मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया था, वो एक्सपीरियंस ही अलग था गाइस। मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा था एंड आई हैव गॉट एन एक्सेप्शनल राइड एक्सपीरियंस। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट मोर 10 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर आपको रीडिंग दिखा रहा है 17, बट थोड़ी देर बाद आपको 20 किलोमीटर बराबर दिख जाएगा। थोड़ा बहुत फुटेजेस के लिए तो किलोमीटर्स अप डाउन हो ही सकता है व्यूअर्स, तो आप थोड़ा वहाँ पर एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। वी आर फैमिली लाइक रॉयल फैमिली। ऑल्सो एक और रॉयल फैमिली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, पूरा 2 दिन का टाइम लगा इस वीडियो को कम्प्लीट करने में, तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाइएगा।
दबा के शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपका फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड या फिर ऑफिस कलीग कोई भी अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेशली प्योर का इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे थे, जड़ से जरूर उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। एंड अगर आप भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बारे में सोच रहे थे, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई दी न्यू ए-ट्रांस, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस स्कूटर टू बाई एंड ड्राइव डेली यूज, ऑफिस कम्यूट्स या फिर आप ग्रॉसरी शॉपिंग में जाए, मतलब आपको जो एक कंफर्ट फील होगा ना। एंड ऑल्सो द फ्यूल प्राइसेस दैट वी आर सेविंग, ओनली 21 रुपीज इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव दिस स्कूटर फॉर 100 किलोमीटर। मतलब आप समझ सकते हैं 115 रुपीज टू अ लीटर है, किसी किसी स्टेट्स में तो और ज़्यादा भी है। तो मतलब क्या कुछ नहीं बोल सकते हैं गाइस, 100 किलोमीटर एंड जस्ट 21 रुपीज़। आपको जस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना, इसके बैटरी को चार्ज करने के लिए ओनली 3 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रियली रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने 20 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका है स्कूटर में, एंड मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, राइड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। एंड राइड क्वालिटी बारे में स्पेशली बोलना चाहूँगा, इसमें आपको 4 सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है। फ्रंट में आपको डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, रियर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं, वो भी एक नहीं, अनलाइक दी कंबशन स्कूटर जहाँ पर आपको एक सस्पेंशन मिलता है, यहाँ पर आपको 2 मिल जाता है, जिस वजह से आपको जो राइड क्वालिटी मिलता है इस गाड़ी में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, वो जो मैं ब्रेकिंग का इशू बोल रहा था कि ब्रेक दबा दी, इसका जो पावर है वो फुली कट ऑफ हो जाता है, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगा मेरे को, बट दैट इज एक्चुअली नेग्लिजिबल, द परफॉर्मेंस दैट यू गेट इन दिस स्कूटर इज एक्चुअली नेग्लिजिबल। यहाँ पर आपको वन सेकेंड दिखाना चाहूँगा गाइस, इसका जो ग्रेडिबिलिटी वो कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देख सकते एकदम को खड़ा चढ़ाई मिलेगा इसमें, जो पार्किंग लॉट से मैं एग्जिट कर रहा था एंड आई वॉज इन पावर मोड 1, मैंने जानबूझ इसका पावर मोड 1 में रखा था विद अ पिलियन राइडर, एंड गाइज आई वॉज जस्ट एस्टोनिश्ड लुकिंग एट दिस, क्योंकि इतना अच्छा पावर डिलीवरी मेरे को मिल रहा था, वो भी पावर मोड 1 में विथ सच अ नाइस ग्रेडेबिलिटी, लाइक हेड्स ऑफ प्योर हाउ यू हैव डिजाइंड दिस स्कूटर। एंड द BLDC मोटर इज जस्ट डूइंग इज जॉब वेरी वेरी नाइसली, पावर कब ले ले, साउंडलेस ड्राइव को ले ले। जी हाँ गाइस, आपको इस पर कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं मिलेगा, काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को अगर आप देखें वहाँ पर आपको बेल ड्राइव मिल जाता है, जिसके वजह से आपको एक क्या बोले एक अनइजी टाइप एक नॉइस मिलता है, लाइक आप कंबशन स्कूटर्स को ले ले वहाँ पर आपको बेल ड्राइव मिल जाता है, जिसकी वजह से एक क्या बोले एक बहुत ज़्यादा हाई पिच साउंड आपको प्रोड्यूस मिलता है, इसमें आपको कोई भी ऐसा साउंड नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, 45 किलोमीटर्स इस गाड़ी में मैंने कवर कर चुका है एंड स्टिल दिस स्कूटर इज़ रनिंग लाइक अ चैम्प। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्योर न्यू ए-ट्रांस प्रोड्यूस कर सकता है। ऑल्सो अगर आप इसका डिटेल रिव्यू चाहते हैं या फिर आप इसके छोटे भाई द ए-ट्रांस प्लस का अगर डिटेल रिव्यू चाहते हैं, उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आपको अभी न्यू ए-ट्रांस का तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा एंड इसके बाद आपको ए-ट्रांस प्लस का भी लिंक ऊपर आई बटन में एंड दोनों ही वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस विच आई एम शूटिंग, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अराउंड 80+ किलोमीटर्स ड्राइव कर चुका था इस गाड़ी को। मैं अपने कॉलेज में भी लेके गया था, वहाँ भी सारे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, उन्होंने भी इस गाड़ी को चलाया, वी हैव अ स्कूटर राइडिंग क्लब एंड उन लोगों को भी इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर एक शॉट में आपको स्पीड टेस्ट भी दिखा देता हूँ, एंड अगर आप इस गाड़ी को ओवरऑल एक बम्पी रोड में अगर लेके जाए तो आपको कैसा राइड क्वालिटी मिल जाएगा। एंड सीरियसली गाइस, कोई भी बम्प फील नहीं होता है, ट्रस्ट मी नहीं फील होगा आपको। अगर आपको विश्वास नहीं है आप हमारे दुर्गापुर कल्याणम POREV के शोरूम में आ जाइए एंड वहाँ पर आप टेस्ट राइड ले लीजिए, मैं सच्ची बोल रहा हूँ गाइस, कोई बम्प फील नहीं होता है। एंड द कॉन्फिडेंस फॉर राइडिंग एट अब 50-55 किलोमीटर पर आवर भी आपको कोई मतलब शेकीनेस या भी वॉबलनेस आपको एकदम फील नहीं होगा। वीडियो में देखिए गाइस, मैं हर एक पावर बोर्ड में आपको टॉप स्पीड विथ ब्रेकिंग टेस्ट इस पार्ट पोर्शन ऑफ द वीडियो में दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए अच्छे से इस वीडियो को। 40-43 किलोमीटर पर आवर स्पीड मैंने टच कर चुका है एंड दिस इज द थर्ड पावर मोड, क्योंकि बैटरी पावर कम था जिस वजह से गाड़ी का जो एल्गोरिथम है इसको लिमिट कर दे रहा था 50 किलोमीटर पर आवर पे, बट हाँ अगर आप इस गाड़ी को फुल चार्ज में रखें मैं गारंटी देता हूँ गाइस आपको 60-62 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड इस गाड़ी में आप आराम से अचीव कर सकते हैं। मैंने एक्चुअली उस फुटेज को भी रिकॉर्ड किया था, बट समहाउ आई डोंट नो दैट फुटेज गॉट करप्टेड, तो इसलिए मैं वो फुटेज नहीं लगा पाया, बट आई हैव अचीव 61
समथिंग अराउंड 61 टू 62 किलोमीटर पर आवर ऑफ टॉप स्पीड। ब्रेकिंग भी आप देख सकते हैं एकदम आपको इंस्टेंट मिला यहाँ पे, कोई ब्रेकिंग का कमी नहीं है। मतलब दिस इज एन ऑलराउंड स्कूटर, लाइक अच्छा ब्रेकिंग, अच्छा सस्पेंशन ट्यूनिंग, एक्सेप्शनल राइड कम्फर्ट, गुड पावर। मतलब आप इस गाड़ी को डेली यूज में, हमने ऑफिस कम्यूट्स, लॉन्ग राइड्स के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज आपको अराउंड 100 प्लस समथिंग किलोमीटर का रेंज मिलता है। तो मैं लॉन्ग राइड्स के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस गाड़ी को, मगर हाँ डेली कम्यूट्स में लेके जाइए। मैं सच्ची बोलूँगा गाइस, आप पर डे का अराउंड 100 to 200 रुपीस आराम से सेव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आप स्पोर्ट्स बाइक को ही ले लीजिए, अनलाइक दी R15, आप बहुत सारे गाड़ी को ले लीजिए जहाँ पे आपको अराउंड 40-45 किलोमीटर का रेंज मिल जाते हैं, 45 किलोमीटर एट 115 रुपीस। तो अगर आपको पर डे 80-90 किलोमीटर अगर आपको ड्राइव करना पड़ा, तो आप वहाँ पे कैलकुलेट आराम से कर ही सकते हैं। वहाँ पर आपको उसके एक्सचेंज में आपको ओनली 21 रुपीस लग रहा है फॉर ड्राइविंग दिस स्कूटर, सो यू कैन सी द डिफरेंस। अब चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं एंड इसके एंडिंग पार्ट में आ जाते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप के वीडियो में देख सकते हैं, दिस इज द सेकेंड डे विच आई एम कम्प्लीटिंग द शूट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी टोटल अभी तक चल चुके 85 किलोमीटर्स। यहाँ पर आपको तीन डंडा जरूर दिख रहा होगा, बट जब मैं राइड करूँ तो यहाँ पर दो ही डंडा आपको दिख रहा है बैटरी चार्ज का। आई विल से द लेवल द बैटरी चार्ज इज अवेलेबल। तो ओवरऑल अगर मैं इसका एक राउंड ऑफ फिगर में आपको बोलूं, तो यहाँ पर अगर आपको दो डंडा मिले, तो अगर आपका अराउंड इसका कैलिब्रेशन के अनुसार मैं अगर देखूँ तो 100% इज इक्विवेलेंट फॉर द कंप्लीटिंग 50%, तो वहाँ पर आपको तीन लेवल शो होना चाहिए, मगर यहाँ पर आपको दो लेवल शो हो रहा है। तो अराउंड में इस गाड़ी का 70% ऑफ चार्ज यूज़ कर चुका हूँ, एंड स्टिल अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मैं आपको साइड में वीडियो दिखा दूँगा, अगर ये 70% चार्ज पे अगर ये 85 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, तो आपको इसमें मिल जाता है अराउंड 122 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, जो एक्चुअली काफ़ी अच्छा एक रेंज है फॉर अ सिटी गोइंग इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, क्योंकि स्कूटर हमेशा से डिज़ाइन हुआ था सिटी में ड्राइव करने। यहाँ पर आप अपने कुछ शॉर्ट कम्यूटर्स राइड्स करें, या फिर अगर आपके सिटी में अगर आपके जॉब लोकेशन तक आपको अगर पहुँचना हो, तो 122 किलोमीटर ऑफ रेंज इज़ एक्सीलेंट। तो प्योर क्लेम करता है उसका जो ये हाई स्पीड स्कूटर है नियो ईट्रंस, या फिर आप देख सकते एप्लूटो 7G, उसमें आपको 120 किलोमीटर्स ऑफ रेंज मिल जाता है। तो एवरेज अगर मैं आपको एक निकालूँ, जहाँ पर मैं थोड़ा हाई स्पीड में भी ड्राइव किया, या फिर पावर मोड 1 में भी ड्राइव किया हूँ, कहीं कहीं पे क्या हो रहा था, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, तो जब आप इसके थ्रॉटल को छोड़ देते तो गाड़ी फ्रीली मूव भी करने लगती है। तो वहाँ पर कई कई सिचुएशंस में जब मेरे को डाउन मिल जाता था, वहाँ पर भी मैं इस गाड़ी को थ्रॉटल छोड़ देता और गाड़ी अपने आप फ्रीली मूव भी कर रहा था। एंड साथ ही में जब मैं इसको टेस्ट किया, तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर देख सकते, नाइट में भी मैंने इसके डबल बीम को, लाइक अपर एंड द लोअर बीम साथ में जल रहा था, साथ ही में उसका जो DRL से, यहाँ पर मैं एक बार आपको जला के दिखाई देता हूँ मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका DRL को मैं जला देता हूँ, यू कैन सी ब्राइट सनलाइट की वजह से आपको अंदर दिख नहीं आ रहा होगा अच्छे से, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो DRL है वो ग्लो कर रहा है। साथ ही में इसका जो हेडलाइट है वो भी अभी अपर में है, नहीं अभी डिपर में है, एंड मैं इसको अपर में कर देता हूँ, तो इसका अपर डिपर एक साथ चलता है। साथ ही में इसका ओवरऑल DRL एंड बैकलाइट भी, बैकलाइट भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैकलाइट भी ग्लो कर रहा है। तो ओवरऑल जितना भी इलेक्ट्रिकल यूसेज इस बैटरी में हो रहा था, लाइक दी मोटर, द हब मोटर, ऑल दी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स एंड द स्पीडोमीटर यूनिट, ऑल्सो इसका जो इंडिकेटर है उसमें भी आपको एक बजर मिल जाता है, वो भी एक अच्छा खासा करंट यूज़ करता है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते इसको मैं ऑन करूँगा, इसका जो बजर है वो भी ऑन हो रहा है। साथ ही में इसका जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है, मैं आपको उसको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे भी कंटिन्यूस इसका जो करंट है वो यूज़ हो ही रहा था। यहाँ पर इसका जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने हाथ में एंटी थेफ्ट सिस्टम लगा गया हूँ, ये लॉक हो रहा है, एंड तो इस समय भी अच्छा खासा करंट जी, इसका जो बैटरी यूसेज है वो अच्छा खासा बढ़ जाता है। देन ओवरऑल जो क्लेम
प्योर ईवी कर रहे हैं अपने न्यू ईट्रांस या फिर एप्लूटो 70 या फिर आप कह सकें इनके हाई स्पीड स्कूटर्स में, तो आपको एक्चुअली में 120 किलोमीटर का रेंज आराम से इस गाड़ी में मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर आपको न्यू ईट्रांस को परचेस करना है या फिर एप्लूटो 70 या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर फ्रॉम द ब्रांड प्योर ईवी से अगर आपको परचेस करना है, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें कल्याणम प्योर ईवी को। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको वीडियो में भी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप यू लाइक माय वीडियो। डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रॉयल व्हील्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।